तो दूसरी तरफ सागर बॉम्बे। दोनों ओपनर बैट्समैन शैलू और फैजान मेमन। तो मैच की शुरुआत यहां पर होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए चिराग को बुलाया गया। सामना करेंगे फैजान मेमन। पहली गेंद वहां पर देखना, इनफील्ड के ऊपर से खेला गेंद को, काफी दूर का फासला तय करते हुए वहां पर खिलाड़ी, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर फैजान मेमन के बल्ले से। फुलर लेंथ की ये गेंद थी और बिल्कुल सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को। वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए। आज हमारे बीच प्रशांत जी यादव, आपको मंच पे आना है। प्रशांत यादव, जफर पटेल जी यहां पर मौजूद है और स्विंग के सुल्तान सुल्तान खान भी यहां पर मौजूद है। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज ऑल इंडिया ओपन। रजा मुल्ला स्टेज पे आना है। रजा मुल्ला, आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ। बहुत ही बेहतरीन इस बार गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज चिराग की। तो बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ फैजान मेमन आउट होकर वापस जाते विकेट के साथ यहां पर कमबैक किया है गेंदबाज चिराग ने और बिल्कुल सही फैसला था वहां पर हमारे ऑफिशियल एम्पायर का। विकेटों के सामने पाए गए थे फैजान। तो जफर पटेल जी और सुल्तान खान इस वक्त हमसे विदा लेते हुए। बीपीएल सीजन वन जो रहा था गोरसई में, उसके बेस्ट बॉलर रहे थे सुल्तान खान। सरपंच मैडम यांचं आगमन झालेले, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। जाधव मैडम वेलकम, वेलकम सरपंच मैडम, वेलकम द स्टेज। गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन नजर आती हुई। पिछली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट हासिल किया था फैजान मेमन जैसे बैट्समैन को आउट किया और इस बार ये डॉट गेंद रही है। तो पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी वहां पर करते हुए। सरपंच मैडम यांचं आगमन झालेले, आपलं हार्दिक स्वागत मुख्य मंचावर। या गावच्या सरपंच मैडम जाधव ताई यांचं आगमन होते। जाधव मैडम आपलं हार्दिक अधिक स्वागत। मिड ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तेज कदमों से सिंगल रन पूरा किया गया है। पांच पर स्कोर, एक विकेट गंवाने के बाद कुडूस 11 और बॉम्बे पाड़ा के बीच में ये मैच चलता हुआ। तो शुरुआत हम देख रहे हैं कि कुडूस 11 की उतनी बेहतर नहीं हुई, लेकिन अभी भी वहां पर शैलू और पंकज मौजूद है। इस बार देखना है गेंद पीछे की तरफ जा रही है, डिक्लेयर जोन में ये गेंद जाएंगी। बिल्कुल डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई और दो रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए। सात पर स्कोर, एक अच्छा मुकाबला हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों टीमें अगर हम देखें तो बिल्कुल बैलेंस टीमें नजर आ रही, कुडूस 11 और बॉम्बे पाड़ा। लेकिन गेंदबाजी पहले ओवर में अच्छी नजर आती हुई चिराग, हालांकि पहली गेंद के ऊपर चार रन आए थे, उसके बाद पलट कर वार किया था और विकेट हासिल की थी उन्होंने। इस बार पुल करने की कोशिश की है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए एक और शिकार कर लिए वहां पर चिराग ने। खुशखबर 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 खुशखबर, वो आ रहा है स्टार, रियल स्टार, रियल स्टार आ रहा है। बजाओ फटाके बजाओ, स्वप्निल यादव बजाओ, वो आ रहा है रियल स्टार मोइन भूरे।
रोकना है साउथ मूवी एक्टर हमारे साथ, प्लीज वेलकम, तशरीफ लाइए। बहुत बड़ी हस्ती इंडिया की, साउथ मूवी एक्टर, रील स्टार मोइन जी भूरे सर, कैसा लगा क्लाइमेटिक कंडीशन डिंग डोंग की ट्रॉफी? अच्छा लगा, अच्छा लगा। हो रहा है क्रिकेट वगैरह, अच्छा लगा कि आने के बाद भी मेरे को इज्जत दी, अच्छा लगा। और अगली तुम्हारी कौन सी फिल्म साउथ मूवी आ रही है? अभी पब्लिक मेरे को अगर साथ देंगी आएंगी जरूर। और आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, आप शूट में बहुत बिजी रहते हो, रील बहुत सारे बनाते हो, और कहाँ कहाँ रील बनाई आपने आज तक? जो जो अभी बनाई है तो लोग तो देख रहे, लाइक कर रहे हैं, और आगे भी बनेंगी इंशाल्लाह, लोग अगर साथ देंगे जरूर। तो पिछली रील आपने अपने जम्मू कश्मीर में भी बनाई थी ऐसा सुना था मैंने? नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, अफवाह फैलती रहती है, फैन फॉलोअर बहुत बढ़ गए। कहाँ कहाँ रील, कौन से स्टेट में? ये दुनिया है, ये दुनिया है, साथ में चलेंगे तभी भी बदनाम करेंगे, बैठेंगे तभी बदनाम करेंगे, लेकिन साथ देने वाले जरूर देना चाहेंगे, तो मेरे को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो मेरी पब्लिक जरूर मेरे को आगे साथ बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे। क्या बात है, पूरा श्रेय इन्होंने, रील स्टार यहाँ पे हमारे साथ है मोइन भूरे जी, पब्लिक को इन्होंने पूरा श्रेय इनका दिया है, और आगे पब्लिक का आशीर्वाद रहेंगे तो इनकी नई फिल्म भी आ सकती है, और बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं, वेल डन, थैंक यू। अब ऑटोग्राफ यहाँ पे अटलांटा से बोला है, वो फैन फॉलोअर की तो गए। ओके, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सूरज पाटिल जी। तो अभी अभी हमारे बीच में सोशल मीडिया के एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हम कह सकते हैं मोइन भूरे जी, और हमारी दुआएं भी उनके साथ है कि इसी तरह से आप सोशल मीडिया पर अपने वीडियो अपलोड्स करते रहे, और हमारी एक और दुआ है कि आप आने वाले वक्त में बिग बॉस में भी जाए। गेंदबाजी में हम देख रहे हैं कि दूसरा ओवर प्रदीप लेकर आया और विकेट हासिल किया इस बार प्रदीप ने। रघुवीर न्यू बैटर, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है रघुवीर। विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज प्रदीप, पहला ओवर जो रहा था चिराग का वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। आते ही साथ देखना है, मिड विकेट की दिशा में खेला है गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, सिक्सर से अपना अकाउंट ओपन करते हुए वहां पर रघुवीर। तो यहाँ पे ऑटोग्राफ के लिए 15 मिनट है, और मैंने अभी पीए से पूछा है, मोइन भूरे इनके पीए जी से पूछा है, मैडम बोली कि 15 मिनट है, तुरंत यहाँ पे ऑटोग्राफ ले लो, सभी दर्शकों को ऑटोग्राफ प्रिय, लाइट लगाओ। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर बैट्समैन रघुवीर के बल्ले से, सिक्सर से अपना अकाउंट ओपन किया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया अब 15 पर। एक कड़ा मुकाबला यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ कुडूस इलेवन और बॉम्बे पाड़ा के बीच में ये मैच। फिर से वहां पर इस बार फ्लिक किया है, ऑन साइड की दिशा में देखना है, इस बार डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई, लेकिन दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बैट्समैन। इस बार कलाइयों के बलबूते पर गेंद को फ्लिक कर दिया था ऑन साइड की दिशा में वहां पर बैट्समैन ने, और तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया। 17 पर स्कोर, 3 विकेट गंवाने के बाद कुडूस 11 आउट होने वाले बैट्समैन जो रहे फैजान मेमन, शेलू और पंकज, ये 3 बैट्समैन आउट हुए, लेकिन अभी भी वहां पर रघुवीर और कृष्णा मौजूद है।
पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही थी चिराग की, जहां पर उन्होंने 7 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी। ओ इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का, बल्ले के अंदर आकर ये गेंद लगी और अच्छी फील्डिंग रही है शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी की। सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि बीच बीच में अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर नजर आती हुई। जिस तरह से स्ट्रोक लगाया था पहली गेंद के ऊपर वहां रघुवीर ने, ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ। 3-3 ओवर के अब यहाँ से सारे मुकाबले खिलाए जा रहे हैं, सारे मैचेस खिलाए जा रहे हैं। इसके बाद और एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो मैच है ये दो बेहतरीन टीमें इस वक्त आपस में लड़ती हुई, कांटे की लड़ाई इस वक्त हमें देखने को मिलेंगी। अठारह पर स्कोर, लंबे रन अप के साथ एक बार फिर से वहां पर गेंदबाज प्रदीप। ओ हाफ ट्रैकर गेंद थी, इस बार हुक करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन सही तरीके से देखना है वहां पर मिडल नहीं कर पाए थे गेंद को बैट्समैन, और ये सिंगल रन लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। और ओवर की समाप्ति भी होती हुई, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए हैं 19, 3 विकेट गंवाने के बाद पुलुस 11। तो दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में जो रन आए वो है 12। पहले ओवर में 2 विकेट गिरी थी, दूसरे ओवर में 1 विकेट गिरी है, लेकिन लास्ट ओवर में अब यहां से और रन की तरफ जाना होगा कुलूस 11 को, क्योंकि बॉम्बे पाड़ा के पास भी जो बैटिंग वो बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है उनके पास। अगला जो मैच रहेगा वो वसई फाटा और चिंजघर के बीच में मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए तुरंत ही आ जाना है, इनिंग की समाप्ति से पहले दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है, वैसे फाटा के कैप्टन और चिंजघर के कैप्टन। लास्ट ओवर की शुरुआत होने जा रही है और डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आएंगे रोशन को बुलाया गया है। देखिए इस मैच के बाद भी और लगभग 4 मैचेस और रहेंगे और इसमें फाइनल का मैच भी रहेगा, तो समय में थोड़ा आपको सहयोग करना है। खेल की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी में आएंगे रोशन, पहली गेंद के साथ वहां पर रोशन सामना करेंगे बैट्समैन कृष्णा। कृष्णा ने अब तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, लेकिन अब यहां पर लास्ट ओवर में रनों की लुटमार मचानी होगी बल्लेबाजों को, लेकिन गेंदबाजी जिस प्रकार की नजर आ रही, पहले दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और बॉम्बे पाड़ा चाहेंगे लास्ट ओवर में भी उसी तरह से गेंदबाजी हो, लेकिन उसी बीच वहां पर कृष्णा ने इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वहां पर कृष्णा के बल्ले से। डेथ ओवर की स्लॉग ओवर की ये पहली गेंद और पहली गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया था वहां पर बैट्समैन ने, गेंद हालांकि अच्छी रही थी लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए। तीसरे एम्पायर की मांग की गई है, स्कोर 25 रन। इतना भी नहीं कर रहे अराउंड द लेग्स, अराउंड द लेग्स बोल्ड होगा इस बार वहां पर कृष्णा। तो एक और विकेट अब यहां पर गिरता हुआ कुलूस 11 का। स्टंप पर ये गेंद रही थी और पूरी तरीके से अपने स्टंप को खुला छोड़ दिया था, वहां पर फ्लिक करना चाहते थे कलाइयों को बलबूते पर वहां पर बैट्समैन, लेकिन अराउंड द लेग्स बोल्ड होकर वापस लौटते हुए ये 4th विकेट अब गिरा है कुलूस 11 का। एक साइड से रन भी बन रहे हैं, दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कि विकेटें भी गिर रही है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, बैटिंग भी बहुत ही बेहतरीन हो रही है और ये पूरा मैच इसी तरह के का देखने को हमें मिलेगा। वेलकम 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 मिस्टर बाबू सुसे, वेलकम वीआईपी डायल, आपका हार्दिक अधिक स्वागत है बाबू सुसे, आगमन होता हुआ मिस्टर बाबू सुसे, वेलकम। न्यू बैटर साजिद, पिछले मैच में साजिद ने गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन की थी, 3 विकेट हासिल की थी उन्होंने, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पर बल्लेबाजी का बैटिंग का वक्त आया है। 4 गेंदें अभी भी यहाँ से बची हुई है, 4 गेंदों में और रन बनाना चाहेंगी कुलूस 11। पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था वहां पर गेंदबाज रोशन ने,
और खास बात इस इनिंग की ये है कि हर दूसरी गेंद के ऊपर विकेट गिरा है। इस बार बैकफुट पर जाकर देखना है, गेंद को खेल दिया, कट कर दिया है, डिप्पी वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच तेज कदमों से एक बार फिर से सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए दोनों ही बैट्समैन। ये गेंद भी अच्छी रही थी वहां पर रोशन की, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था और बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ रखा था, लेकिन बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला था वहां पर बैट्समैन साजिद ने। दो रनों की मदद से स्कोर अब 27 पर स्कोर। ओ इस बार फुल टॉस गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज, पनिश नहीं कर पाए थे फुल टॉस गेंद को, ओवर थ्रो भी हुआ और अब देखना है कि दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं, तो दोनों एंड पर बच गए वहां पर साजिद। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाना चाहिए था वहां पर बल्लेबाज को, फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्लॉग स्वीप भी करना चाह रहे थे वहां पर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया। दो रन और अब स्कोर में जुड़ चुके हैं। गेंदबाजी अगर हम देखें तो कुलूस के पास भी अच्छी गेंदबाजी है, साजिद जैसे गेंदबाज उनके पास है, तो ये मुकाबला भी एक अच्छा हमें देखने को मिलेगा। चिंजघर के कैप्टन और वसई फाटा के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है, टॉस के लिए आपको तुरंत ही आना है। डिंग डोंग वॉलीडी ट्रॉफी में हम देख रहे हैं कई दूर दूर से टीमें आई है इस टूर्नामेंट में, डोले से टीम आई है, वसई से टीम आई है, चिंजघर से टीम आई है, कई दूर दूर का फासला तय करके इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि टीमें आई है। कल के दिन बताया जा रहा है कल्याण से भी एक टीम आई थी और इसी बीच वहां पर कल्याण कर दिया अपनी टीम का बैट्समैन साजिद ने, भी गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो अच्छा स्ट्रोक इस बार आता हो वहां पर साजिद के बल्ले से, सिक्सर आया, सिक्सर की मदद से स्कोर अब 35 पर स्कोर जा पहुंचा है। एक गेंद और बची हुई है अब यहां पर इनिंग की समाप्ति के लिए। बार बार यहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, चिंजघर के कैप्टन और वसई फाटा के कैप्टन आपको तुरंत ही हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। रोशन, अब तक रोशन ने 16 रन खर्च किए जिसमें 2 सिक्सर भी आए हैं, फिर से इस बार पुल किया है, देखना है पुल और सक्सेसफुल, वंडरफुल, गेंद बाउंड्री के बाहर, गुल 6 रन। लास्ट की 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले वहां पर साजिद ने। पहले बैटिंग करते हुए कुलूस 11 ने रन बनाए, 41 और 42 का टारगेट रहेगा बॉम्बे पाड़ा के सामने। चिंजघर टीम कैप्टन वसई फाटा मोफाज 11 टॉस साठी यायचे, बी फास्ट 1 मिनिटात पोहोचायचे आणि या टॉस करता आपण आमंत्रित करूया या गावच्या प्रथम नागरिक माननीय जाधव मॅडम, सरपंच मॅडम, त्यांच्या सोबत सेलिब्रिटी मोइन भूरे सर, डीजे म्यूजिक आ रहे सेलिब्रिटी टॉस करने के लिए। सरपंच मैडम, जाधव मैडम इनके साथ, मिस्टर रील स्टार मोइन भूरे, वेलकम। Fast captain. वसई फाटा टीम कैप्टन बी फास्ट, इसे तोड़ो मरोड़ो गंदा मोपाज वसई फाटा, फिर भी ये चलता है क्योंकि ये पैसा है, दैट्स द पावर ऑफ मनी। वसई फाटा कैप्टन, फाइनल कॉल पेनल्टी, वसई फाटा मोफाज 11 वसई फाटा टीम प्लेयर, टॉस के लिए आइए कप्तान वसई फाटा। फाट फाट मेहमान आए हैं नहीं तो पेनल्टी। लाड लाड नहीं करायचं बरोबर ना,
भावना वाले संपला विषय है, खत्म होती है। भिवंडी में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पेनल्टी 5 रन की, तुरंत पेनल्टी। थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ पे टॉस बॉक्स में सरपंच मैडम और उनके साथ है सेलिब्रिटी डिग्नेटरीज मोइन भूरे सर, रील स्टार। बालों के घने घने बाल इनके हैं, काले काले बाल, बहुत ही बड़ा राज है। हर किसी को लगता है कि इतने चमकने वाले और घने बाल, काले बाल अपने हो, और बालों के बादशाह इनको कहते हैं। बहुत फेमस हस्ती है और समय निकाल के अगदत बुबेरे फरमान बुरे, इनके तालुका दिन से बहुत नजदीकी है। जहां जहां शूट करते वहां पे आके फैजा यहाँ पे फरमान आपसे मिले हैं। शायद मेरे को लगता है हैदराबाद में मुलाकात हुई थी आपकी, जब शूट कर रहे थे वहां पे फरमान अगदत बुबेरे आए थे क्या? बिल्कुल, फरमान बुरे और अगदत बुरे की वजह से मैं सब कुछ आगे बढ़ गया हूँ। तो ये ट्रॉफी डिंग डोंग की है, अगदस फरमान का ये आयोजन है, डिंग डोंग का आयोजन है। वडोली चषक है, तसोपुर है, उपसरपंच है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती या जा जा होते हो आप होते हैं मौजूद और बड़ी टूर्नामेंट में आप जाते हैं। अच्छा लगा, ये लोग ने अरेंजमेंट वगैरह किया है, ये बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत बहुत मैं आके खुश हो गया कि ये लोग ने इज्जत दिए। फरमान बुरे, अगदस बुरे, तसो बुरे, ये लोग ने जो भी अरेंजमेंट जो किया है यहाँ पे पब्लिक के लिए, वो अच्छा लगा। एक एक्टर होके, एक रील स्टार होके, आप जिंदगी के बारे में क्या कहोगे कि जिंदगी क्या होती है और कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? जिंदगी वो है जो आज जिए, कल का ना सोचे। जो कुछ है आज जियो, कल का नहीं सोचने का। जो भी है प्रेजेंट में सोचो, पास्ट या फ्यूचर को ना देखे। यहाँ पे भूरे साहब कहते हुए, मोइन भूरे साहब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे बच्चे भी है और यंगस्टर जो काफी सपोर्ट करते हैं अगदस फरमान को। वडोली के पूरे गांव के लोग, सरपंच मैडम है और जो यंगस्टर है, जो बच्चे, वो ज्यादा डिगडॉग के टीम के पास आकर्षित होते हैं, ऐसा क्या है? ये अगदस और फरमान की वजह से, ये लोग ने बच्चे लोग को भी संभाला, इज्जत दी है, हर बातों में इनको आगे किया है। इनने अपने ऊपर कभी घमंड गुरु नहीं किया है, सबको लेके चलते है साथ में, यही अच्छी बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, मैं तो एंकर भी हूँ और मैं पत्रकार भी हूँ, एक जो सवाल है, एक सवाल सामने खड़ा है पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में हर स्टेट से लोग कमेंट्स करते हुए यूट्यूब पे कि आपके काले घने बालों का राज क्या है? ये तो कुदरती है ना, मैं इसमें कुछ खर्चा करता हूँ ना कुछ है, ये कुदरती है। जो ऊपर वाले ने जो दिया है उसमें शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का, ये अल्लाह की मेहरबानी है। बेशक बेशक बेशक। तो यहाँ पे आपको ये तोहफा दिया है काले घने बालों का, तो कितने साल से आप ये काले घने बाल क्या कह के इसको कैसे संभाल कर रखते हैं, क्या कुछ इस्तेमाल करते? नॉट कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो है कुदरत ने जो दिया है, अल्लाह ने जो दिया है, भगवान ने जो दिया है, इसमें मैं खुश हूँ। दुनिया की पहली हस्ती मोइन भूरे जी, इनके बालों को आज तक कुछ हुआ नहीं है। वसई भाटा टीम कप्तान, वसई भाटा टीम कप्तान, दो दो आगे, ओके आ जाओ मोइन जी भूरे सर, इनके शुभ हाथों से यहाँ पे हेड है रॉयल मोटर्स और टेल है लाला भूरे हेड है और उनका ही है रॉयल मोटर्स शोरूम। स्पेशल टॉस वसई भाटा बनाम धनंजय स्पोर्ट्स चिंगर, मोइन भूरे रील स्टार टॉस करते हुए। और यहां पे टॉस जीता है वसई भाटा मोफास टीम ने, तीन ओवर का मैच, टॉस जीता है वसई भाटा टीम ने। कप्तान कंफ्यूज है यहां पर, फील्डिंग या बैटिंग? बैटिंग बैटिंग आप करना चाहते हो। सामने चिंगर टीम है, गणेशपुरी टीम को जिन्होंने भी यहाँ पे हराया और मैच जीता है। इस मैच में बैटिंग करने के बाद वाडा टेनिस के क्राउड को और यूट्यूब पे देखते हुए महाराष्ट्र के क्राउड को कैसे खुश करोगे आप तीन ओवर में बैटिंग करते? कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा खुश करने की और अपनी टीम को जीत दिलाने की।
वरना बेस्ट ऑफ लक कैप्टन वसे पटा टीम और चिंदगढ़ टीम के कप्तान आपके पास फील्डिंग है, कहां तक रोक पाओगे इस मैच में? 30 रन तक बेस्ट ऑफ लक कप्तान। और यहाँ पे मोइन खान जी, यहाँ पे जो बैंजो चल रहा है, इस पूरा ऑर्गेनाइजर सिस्टम, इसके बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। अभी जो आए है अपने मेहनत से, अपने लगन से खेलना, क्योंकि इतने दूर से तुम लोग आते हो तो खेलो, क्या मैच जीत के जाओ, ऐसी उम्मीद रखो अच्छे रन से। थैंक यू। और आप अब यहाँ पे अगले शूट के लिए कहाँ जाओ, शायद गोवा जा रहे हैं ऐसा मैंने सुना है 20-22 तारीख को। अभी अकदस और फरमान के ऊपर है, ये जो लोग जहाँ लेके जाएंगे वो जरूर जाएंगे। तो आपकी यहाँ पे जो टाइमिंग है, जो डेट बुक है, अकदस और फरमान ने बुक किया आपके पीए के पास? यस यस, क्यों नहीं, वो लोग जहाँ बोलेंगे वहां उनके साथ जाऊंगा मैं जरूर। तो यही आप मोइन भूरे जी गोवा में जाने वाले हैं, आइए पधारिए, चलते चलते बात करेंगे, वाडा में है, इसके बाद एक टूर्नामेंट के बाद गोवा में जाएंगे। ओवर टू कॉमेडी बॉक्स। थैंक यू मोइन भूरे जी और सूरज पाटिल जी। 42 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि फैजान मेहमान बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 2 विकेट हासिल की उन्होंने और स्कोर जो बनाया गया वो है सिर्फ 4। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई है बॉम्बे पाड़ा की, लेकिन अभी भी वहां पर सागर बॉम्बे वहां मौजूद है, एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर, और उनका साथ देते हुए मयूर 42 का टारगेट है, 42 का टारगेट है। अब यहां से 12 गेंदे और 38 रन चाहिए, 38 रन और चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। अब हर ओवर में जो आस्किंग रन रेट है वो 19 का हो चुका है। अब यहां से बल्लेबाजों को चैन की सांस नहीं लेनी होगी, बल हेड की तरफ जाना होगा वहां दोनों ही बैट्समैनों को, जबकि गेंदबाजी में दूसरा ओवर लेकर आएंगे राकेश। लेकिन गेंदबाजी भी अगर हम देखें कुलूस 11 के पास तो वो बहुत ही बेहतरीन है, जिस तरह से पहले ओवर में फैजान मेमन ने गेंदबाजी की, 4 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि राकेश एक और बेहतरीन गेंदबाज, राकेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर सागर बॉम्बे। शॉर्ट ऑन पुल लगाया इस गेंद के ऊपर वहां सागर ने, देखना है डीप में इस बार खिलाड़ी मौजूद है, फील्डिंग अच्छी होती हुई तो पहली गेंद भी अच्छी थी, स्ट्रोक भी अच्छा लगाया था और उससे बढ़कर फील्डिंग देखने को मिली, लेकिन रन उतने नहीं आ पाए, सिर्फ सिंगल रन आया। अब यहां से ओवर नंबर 2 का खेल शुरू हो चुका है और स्कोर बनाया गया है 5। एक अच्छा मुकाबला, अगले मैच का भी टॉस हो चुका है। वसई फाटा और चिंजघर के बीच में अगला मैच रहेगा, एक और बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है वसई फाटा ने, इस बार देखना है वहां पर राकेश की ये गेंद, वाइड गेंद रही है, थोड़ा दूर की तरफ गेंद को रखा था वहां पर गेंदबाज ने, पहले ओवर में भी एक वाइड गेंद रही थी और दूसरे ओवर में भी हम देख रहे हैं कि वाइड गेंद रही है, लेकिन उतनी गति से उतनी तेजी से रन नहीं बन पा रहे, अब तक कोई बड़ा हिट भी नहीं आया है, लेकिन आस्किंग रन रेट लगातार अब बढ़ता जा रहा है। इस बार देखना है आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ बैट्समैन मयूर की पारी भी अब यहां पर समाप्त होती हुई, थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेट यहां गिर रही है और अब कठिनाइयों में नजर आती हुई बॉम्बे पाड़ा। और यहाँ पे कैमरा में देखते हुए आप देख रहे हो ओम साई मूवी स्टेज पर ऑटोग्राफ देते हुए मोइन खान जी, यहाँ पे सब उनके फैन फॉलोअर ऑटोग्राफ लेते हुए यहाँ पे लोग ऑटोग्राफ लिया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जब सब कुछ जल्द तुरंत आ जाओ, यहाँ पे 2 मिनट में रुकने वाले हैं मोइन भूरे जी, जल्द से ऑटोग्राफ ले ले, रील स्टार ऑटोग्राफ भी यहाँ पे देते हुए साइन करते हुए मोइन भूरे जी, हर उनका फैन उनसे उनके साथ जुड़ता हुआ और कितने फेमस है देखो ऑटोग्राफ लेते हुए। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू राकेश, विकेट लेने के बाद एक बार फिर से वहां पर ओ पुल कर दिया इस गेंद को, वहां पर न्यू बैटर छोटे आए हैं, लेकिन मिसफील्ड हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। गेंद अच्छी थी वहां पर, स्ट्रोक भी अच्छा लगाया था, शॉर्ट ऑन पुल लगाया था वहां पर छोटे ने, चौके से अपना अकाउंट ओपन करते हुए बैट्समैन, टीम का स्कोर अब 10 पर। मैडम सुधा या ठिकाणी ऑटोग्राफ घेतात रील स्टार इंडिया के मोइन भूरे, इनका ऑटोग्राफ लेते हुए सरपंच मैडम।
लीजेंड ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व यहाँ पे ऑटोग्राफ लेते हुए मोइनपुर जी स्टार इनका ऑटोग्राफ यहाँ पे आप देख रहे हैं। अंबिया बाबे सर इन्होंने भी ऑटोग्राफ लिया है। थैंक यू मोइन जी, प्लीज वेलकम, प्लीज हैव अ सीट ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। इस बार देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया, इनको गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता है वहां पर बैट्समैन छोटे इस वक्त बड़ा काम करते हुए, पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे है। जो आस्किंग रन रेट बढ़ता जा रहा था वहां पर कहीं ना कहीं छोटे ने उसको कंट्रोल किया है। कमाल की बैटिंग इस वक्त देखने को मिलती हुई और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 16 पर। ओ इस बार गति परिवर्तन की वहां पर, लेकिन ऑप्शन से बाहर रही है गेंद व्हाइट। और यहाँ पे भिवंडी सिटीज के अंपायर इन्होंने कैप दिए और इसके ऊपर ऑटोग्राफ की डिमांड कर रहे हैं। और मोहिन भूरे जी यहाँ पे भिवंडी टेनिस क्रिकेट के अंपायर इनके स्पोर्ट कैप के ऊपर अंपायर के ऊपर ऑटोग्राफ देते हुए, तो ये देखो मोहिन जी का ऑटोग्राफ आप यहाँ पे कैमरा में देख सकते हो, रील स्टार का ऑटोग्राफ और अंपायर का सौभाग्य है। डिंगडोंग की डिंगडोंग को थैंक यू बोल रहे हैं अंपायर की, उनकी वजह से रियल स्टार आज उनको मिले, थैंक यू। बिल्कुल हमारे जो अंपायर है वो भी अपनी कैप को नहीं धोएंगे क्योंकि मोहिन भूरे जी का ऑटोग्राफ उनके उनके कैप के ऊपर आ गया है। देखिए ये होता है, मैंने भी जब बिलाल शेख ने आमदार चषक को जीता था तो मैंने 500 की नोट के ऊपर उनका ऑटोग्राफ लिया था और अभी भी वो 500 की नोट मेरे पास मौजूद है, वो भी पुरानी वाली 500 की नोट। सिंगल रन एक बार फिर से स्कोर में और 19 पर स्कोर, दो ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए 19, अब यहां से 23 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आज हमारे बीच में मोइन भूरे जी मौजूद है। ये खुश नसीबी है हमारी कि मोइन भूरे जी हमारे बीच में मौजूद है। हम बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलते हैं कि टेनिस क्रिकेट में कोई सेलिब्रिटी हमारे बीच में मौजूद रहे, लेकिन यहाँ पर हम आज देख रहे हैं कि इस डिंगडोंग वलोली ट्रॉफी में आज हमारे बीच में मोइन भूरे जी मौजूद है। पिछले साल भी जब सरपंच ट्रॉफी रही थी उसमें भी वहाँ पर वो मौजूद थे और इस साल भी हम देख रहे हैं, तो हमारे जो फरमान और अकदस है उनके बहुत ही करीबी भी माने जाते हैं। 6 गेंदें और रन चाहिए यहाँ से 23। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन सागर ने, लेकिन रन सिंगल लिया है और उसी भी देखना है कि थोड़ा सा फंबल हुआ उसका फायदा उठाया है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। फैजान मेमन थोड़े से नाराज नजर आते हुए क्योंकि जानते हैं वो भी कि सागर किस प्रकार के बैट्समैन है, जितना देर आप सागर को नॉन स्ट्राइक पर खड़े करेंगे उतना बेहतर रहेगा पुलुस 11 के लिए। वही कारण था कि फैजान मेमन थोड़े से नाराज थे क्योंकि सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया और एक बार फिर से अब सागर स्ट्राइक पर आ चुकी है। इस बार देखना है शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी वहां पर, हुक कर दिया इस गेंद को और गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई, 2 रन आएंगे अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 4 गेंदे और 19, 4-19 का इक्वेशन आ चुका है। थोड़ा कठिन काम है, इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है अगर अब हर गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकेंगे सागर बॉम्बे। देखना है सागर बॉम्बे बॉम्बे पाड़ा को जिता पाते हैं या नहीं। 4-19 का इक्वेशन यहां से। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए चंदन। ओ इस बार चंदन की ये गेंद बहुत ही बेहतरीन थी और विकेट वहां पर गिरता हुआ, आउट हो गए बैट्समैन सागर बॉम्बे। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी वहां पर बॉम्बे पाड़ा को सागर से, लेकिन सागर भी अब निराश कदमों के साथ वापस डगआउट की तरफ लौटते हुए। गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन रही है, पहले ओवर में भी, दूसरे में भी और इस लास्ट ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहले बल्लेबाजों ने अपना काम किया, एक अच्छा टोटल खड़े किए, 41 रन बनाए, 42 का टारगेट रखा था बॉम्बे पाड़ा के सामने और उसके बाद नफी तुली गेंदबाजी, हर गेंदबाज ने चैनल में गेंदबाजी की है।
तीन गेंदे और 19 रन। अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मयूर, न्यू बैटर मयूर, 3-19 का इक्वेशन है। अब यहां से विकेट लेने के बाद वहां पर चंदन एक बार फिर से देखना है फील्डिंग में, इस बार चेंजेस किए गए हैं। आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन रन सिंगल ही आएगा इस गेंद के ऊपर। लास्ट ओवर में भी उतनी खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे गेंदबाज। अब ये जो मैच है वन साइडेड हो चुका है क्योंकि दो गेंदे बची हुई है, रन चाहिए 18। अब यहां से कुड़ूस इलेवन तभी हार सकती जब गेंदबाज चंदन कोई बड़ी गलती करे तो, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं उम्मीद नहीं लग रही कि वो अब कोई गलती करेंगे। उसी बीच वहां पर देखना इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला है गेंद को और गेंद ये जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। छोटू लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। चार गेंदों का सामना किया छोटू ने और जिसमें 2 सिक्सर एक बाउंड्री लगाई है। 15 पर बैटिंग करते हुए 17 पर बैटिंग कर रहे छोटू। ऑन साइड में फिर खेला है गेंद को लेकिन इस बार आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है कुड़ूस इलेवन ने। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा वहां पर कुड़ूस इलेवन का, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा काम किया। पहले बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन स्कोर लगाया था और उसके बाद गेंदबाजी जो रही वो बहुत ही बेहतरीन रही है। आइए अब यहां से सीधा हम सूरज पाटिल सर की तरफ जाएंगे और मैन ऑफ द मैच नहीं है इस मैच में, आइए सूरज पाटिल जी। देखिए आपने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूरज पाटिल जो है एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर भी है, अच्छे सूत्र संचालक भी है, एंकर का रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अदा कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उनकी कमेंट्री भी हम सुनना चाहेंगे। आइए सूरज पाटिल जी, हम आपकी कमेंट्री भी सुनना चाहेंगे। फील्डिंग लगानी है, खेल को अब शुरू करना है। धन्यवाद।